मंडाड़गांव ब्रिज के बाद आपको सीधा रोड मिलेगा जो कि सीमेंट का रोड है और काफी खाली रोड मिलेगा। और जैसे ही हम इस रोड को पार करेंगे तो सी बीच हमको विजिबल हो जाएगा, सामने में कट दिख रहा होगा आपको। अभी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे रिवर राफ्टिंग चल रहा है, टीम जा रही है। अभी ये पीछे में कुंडालिका वैली पॉइंट है, आगे जाके एमजी वैली में मिक्स होता है। अभी हम लोग कोंकण रेलवे क्रॉसिंग में पहुँचे। ये कोंकण रेलवे है। हाय गाइस, वेलकम टू डिजी डेस्टिनेशंस। आज हम लोग जा रहे हैं पुणे टू मुरुड जंजीरा वाया तामनी घाट, इंदापुर और ताड़ा। और इस जर्नी में जो भी इंटरेस्टिंग जगह आते जाएंगे वो मैं आपको एक एक करके सारा बताते जाऊंगा। अभी हम लोग तामनी घाट क्रॉस कर रहे हैं। अभी ये जो मेरे पीछे में है ये जगह, इसको मुंशी बैक वाटर बोलते हैं, डैम का सारा रिजर्वर का पानी है। अभी ये पीछे में कुंडालिका वैली पॉइंट है, आगे जाके एमवी वैली में मिक्स होता है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे ऊपर में हैं और ये नीचे के घर दिख सकते हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे, मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है, अभी जूम आउट करता हूँ मैं। ये देखिए कितना ऊपर है। आप जैसे ही तामिनी घाट से नीचे उतरोगे तो आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा, आपको कोंकण के कोई भी एरिया में जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो तो आप कोलाड जाओगे जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पैदल चलकर कैसा रास्ता है। ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आपको ये लेफ्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्को का प्लांट है और यहाँ से सीधा जाके फिर आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो आप लोग निकल जाओगे मुरुड के लिए और कोंकण के लिए, और सीधा रास्ता जो है वो कोलाड के लिए जा रहा है। अभी हम लोग कोंकण रेलवे क्रॉसिंग पहुँचे हैं। ये दिख रहा है आपको, ये कोंकण रेलवे क्रॉसिंग है, इधर मुंबई है और इधर गोवा, और इत्तेफाक से अभी ट्रेन भी आ रही है यहाँ पे। कोंकण रेलवे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग भी हो रहा है, बोट लगा हुआ है, यहाँ बोट लगा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा रिवर है। नीचे का पानी में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भौंरे भी बने हुए हैं गोल गोल। आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। जो ब्रिज है, ये ब्रिज है, बड़ा सा ब्रिज है ये मंडाड ब्रिज। इधर से हम आए हैं, देखिए पूरा ब्रिज। अभी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे रिवर राफ्टिंग चल रहा है, टीम जा रही है। ये देखिए रिवर राफ्टिंग हो रहा है। मंडाड़गांव ब्रिज के बाद आपको यहाँ पे सीमेंट का रोड मिलेगा और काफी खाली रोड मिलेगा। और यहाँ पे आगे में एक पहाड़ का कटिंग दिख रहा है, वो कट को जब हम पार करेंगे तो उस पार हम सी बीच के काफी पास आ जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो कट के उस पार जब हम पहुँचेंगे तो हमको वहाँ पे सी बीच दिखेगा। अब देखिए हम ये पहाड़ के जो कटिंग है इसके पास में पहुँच गए हैं और इसको हम क्रॉस करते हैं। जैसे हम क्रॉस करेंगे और उस पार जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि लेफ्ट साइड में हमको ऑलरेडी सी जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं अभी सी बीच के, और ये करीब 1-2 किलोमीटर का पैच है यहाँ से क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पूरे वेस्टर्न घाट का एक बड़ा पहाड़ रेंज है ये, इसको काट कर यहाँ से रास्ता निकाला गया है जो कि कनेक्ट करता है यहाँ ताला को कोस्टल एरिया से। और ये रोड जाता है कोस्टल हाईवे में दिघी पोर्ट के पास। तो देखिए हमने इस पैच को पार कर लिया। अब आप लेफ्ट में देखिए हमको यहाँ से सी विजिबल है, यही बैक वाटर जाता है मंडाड़गांव ब्रिज के पास। तो ये देखिए हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन के पास में, और हमको यहाँ पे सी बीच अभी विजिबल हो गया है। और ये कोस्टल रोड में हम आ गए हैं जो कि मुरुड काशीद वाला कोस्टल रोड है। ये रोड का हालत थोड़ा ख़राब रहता है बिकॉज रेगुलरली यहाँ पे बारिश होता रहता है और रेगुलरली यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह खतरा रहता है, इस वजह से ये रोड थोड़ा सा ख़राब रहता है और रेगुलर रिपेयरिंग यहाँ पे नहीं होता। तो होटल से जस्ट पहले यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं आपको लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। हम अलीबाग के जाने वाले रूट में है, और ये आपको अगर दिख रहा रहेगा मैं आपको जूम करके बता दूँ, दिस इज कोरलाइट रूट, ये हम आते वक्त कवर करेंगे। तो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कनकेश्वर टेम्पल फ्रॉम अलीबाग रूट।
तो फ्रेंड्स, अगर टोटल जर्नी टाइम की बात करूं तो 4 से 5 घंटा का जर्नी टाइम था। इसके अलावा आप जितना ब्रेक लेते हैं वो आपका एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। तो ये मेरा व्लॉग था पुणे टू मुरुड जंजीरा का जर्नी व्लॉग, जिसमें मैंने पूरा रूट कवर करने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।